अलीगढ़ में पूर्व सांसद एवं सपा के वरिष्ठ नेता चौधरी बिजेंद्र सिंह ने मैरिस रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पहलवानों एवं खिलाड़ियों के साथ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मेडल लेकर आए थे तो हवाई अड्डे पर ही स्वागत किया, लेकिन जब वो मुसीबत में है तो केंद्र का कोई नेता व मंत्री उनके साथ नहीं है। दिल्ली पुलिस का रवैया असंवैधानिक है। मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुआ। ये प्रकरण खिलाड़ियों एवं खेल से जुड़ा है, इसको राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य देश का, शर्मनाक, विश्व विजेता देश के गौरव, ओलंपिक स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ी कई दिनों से देश की राजधानी के आंचल में धरना प्रदर्शन अनशन किए हुए बैठे हैं। आखिर ऐसी बात क्या है कि प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के काबिना बड़े बड़े मंत्री चुप क्यों हैं? जब ये मेडल लेके आए थे उस समय तो हवाई अड्डे पे इनको फूल मालाएं डाली गई थी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बुलाकर के इनका सम्मान किया था। आज ऐसी क्या बात हो गई? सरकार क्यों जिद पड़ी हुई है कि कम से कम वहां पर प्रधानमंत्री जाते या उनके गृह मंत्री जाते, पूछते बेटे क्या बात है? न्याय संकोच किसी देश के गौरव के लिए इसकी जांच कराते जो बच्चों की मांग को मानते? क्योंकि ब्रजभूषण शरण जी एक व्यक्ति हैं, चाहे वो सांसद हैं, और ये साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ये व्यक्ति नहीं है, ये देश का गौरव है। इन्होंने पूरी दुनिया में देश के सम्मान को ऊंचा किया है, और ये स्पष्ट है इस लेवल का कोई भी खिलाड़ी, कोई भी मातृशक्ति की लड़की अपने चरित्र धरन का झूठा आरोप कैसे लगा सकती है? ये विचारणीय विषय है। फिर भी सरकार कानों में उंगली लगा के बैठी है, और यदि ऐसा लगता है सरकार को किसी व्यक्ति का, खिलाड़ी का, ऐतिहासिक पुरुष का जन्म तो परमात्मा देता है किसी समाज में। अगर बाहुबली के रूप में ये लड़के किसी समाज में पैदा हो गए जाट समाज में, तो जाट समाज का तो कोई अपना दुर्भाग्य तो नहीं है, उनका तो सौभाग्य है। और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि गृहमंत्री जी ये कहते हैं वहां तो थोड़े से जाट बैठे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये जाट समुदाय ने आजादी से लेकर आज तक, आजादी से पहले बड़ी बड़ी जंगें देश के सम्मान के लिए क्यों इतिहास लिखे हों, सरहद भगत सिंह, नाहर सिंह, सूरजमल जी, बड़े बड़े नेता पैदा किए हों, चौधरी चरण सिंह आदि, आज उस वो कुछ नहीं है। और केवल केवल एक चरित्र हनन के आरोपित को बचाने के लिए सरकार इस तरीके से चुप बैठी है। आज वो बड़े बड़े खिलाड़ी सभी, चाहे क्रिकेट हो, चाहे क्रिकेट जगत के भी पहुंचे हैं, अन तमाम खेलों के खिलाड़ी पहुंच गए हैं, पुराने गोल्ड मेडलिस्ट पहुंचे हैं, तो आखिर बात क्या है? अब लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अगर वास्तविक संज्ञान न लिया होता तो इनके खिलाफ मुकदमा भी कायम नहीं होता। इनके समर्थन में आप क्या मांग? एक साधारण व्यक्ति के खिलाफ जब पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम होता है तो तत्काल पुलिस पहुंचती है, उसे उठा के थाने लाती है, बात करती है, जांच करती है, गुण और दोष के आधार पर निर्णय लेने का, जजमेंट देने का तो न्यायालय का काम है, ये पुलिस का थोड़े है। कल बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, रात कपड़े फाड़ दिए, चीत्कारें हुई, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, ये दुर्भाग्य नहीं है देश का? देश नहीं देख रहा है? एक बात कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री, इन बच्चों को किसी समाज से जोड़ के आईने में न देखा जाए, ये देश के गौरव है, सब समाज के सम्मान के सूचक हैं। अगर जरा भी नैतिकता बची हो, जरा भी देश के सम्मान के लिए उनके दिल में जगह हो, तो किस सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस से इसकी जांच कराएं? क्यों? कि पुलिस से
इन खिलाड़ियों का विश्वास उठ चुका है।